हेलो हेलो एवरीवन। कुछ देर रुक जाते, कुछ और लोग आ जाते, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 मिनट पहले आ चुका हूँ। तो 8 बजे तक वेट करते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से जल्दी सब आ जाओ, जो जो लोग ऑलरेडी आ चुके हो जल्दी से जल्दी बाकियों को बोलो कि आ जाने का, क्योंकि 8 बजे एकदम क्लास शुरू हो जाएगा। हर्ष, हर्षा केस आ चुका है। हर्षा वेलकम, वेलकम द फर्स्ट लाइव ऑफ माय चैनल। शुरू करते हैं। हाँ थोड़ा रुको, और भी बाकी ओके भी आने दो। मिथिला, हाय मिथिला, हाय हाय राकेश। हाय दीपायन, एकदम पक्का एकदम 8 बजे शुरू करेंगे क्लास, ठीक है? ऑडियो एकदम ठीक ठाक आ रही है कि नहीं थोड़ा बता दो, ठीक ठाक सुनाई दे रहा है कि नहीं? मिथिला, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, एकदम क्लियर। ओके ठीक है, तो देखते हैं कितना बज रहा है। अभी 3 मिनट और है, 3 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है? सात जन आ चुके हैं, 8 हो गया, ठीक है। जो जो ऑलरेडी लाइव में आ चुके हो प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है? जितना ज्यादा लाइक होगा उतना जल्दी मैं क्लास शुरू करूंगा, ठीक है? सब लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को। आज सिर्फ सिर्फ क्लास के बारे में बात करेंगे, पहले क्लास के एकदम एंड में थोड़ा थोड़ा गप्पे मारेंगे, ठीक है? पहले तो क्लास के बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हो कि आज के क्लास में मैं पूरा जो बेसिक्स ऑफ लूमिस मेथड है, मतलब फ्री हैंड ड्राइंग का जो मैं मेथड यूज करता हूँ, लूमिस मेथड का बेसिक सिखाऊंगा। मतलब एकदम ए से जेड तक जो बेसिक्स है वो एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, ताकि आज के बाद लूमिस मेथड के लिए लूमिस मेथड के बारे में आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रखे, ठीक है? तो एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, आप लोग भी एकदम मन लगा के देखना पूरा। और आप लोग जो लोग अभी आ चुके हो, एक काम करो, एक स्केचबुक लो और एक पेंसिल लेकर, पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सब लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मेरे साथ सर अगर आप लोग नोट डाउन करोगे, थोड़ा ड्रॉ करोगे, तो आपका दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा पूरा चीज, पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, और 1 मिनट है 8 बजने को, उसके बाद शुरू कर देंगे। और जो लोग ये वाला वीडियो बाद में देखोगे उसके लिए थोड़ा बता देता हूँ, बाद में जो देखोगे तब ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसे थोड़ा स्किप कर देना, स्किप करके स्टार्ट करना, ठीक है? मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा नीचे, वहां से देखना। हाय अनिकेत, वेलकम टू द लाइव। या लविश, आई एम फुल टाइम आर्टिस्ट सिंस 2 ईयर्स। ओके, पहले तो मेरा पढ़ाई करीब करीब कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब तो मैं एकदम फुल टाइम आर्टिस्ट ही हूँ। ओके, सब लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को, उसके बाद शुरू कर देंगे एकदम 8 बजे। ओके 8 बज गए हैं, तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू द फर्स्ट लाइव ऑफ माय चैनल। ओके, तो आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ही ये वाला वीडियो है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं फ्री आर्ट क्लास लाऊंगा, तो ये एकदम पहला क्लास है हमारे चैनल का। तो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड हो, मैं भी हूँ, ठीक है? तो आप लोगों में से बहुत ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया कि डिटेल में सिखाने को, टाइम लैप्स में या फिर 5 मिनट 10 मिनट्स का जो वीडियोस है मेरे चैनल में, उसमें सब चीज़ें आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो उसके लिए ये क्लास है,
ताकि एकदम डिटेल में आप लोगों को समझा पाऊँ, और आप लोगों का कमेंट्स लाइव चैट देख कर तभी तभी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं वो सॉल्व कर दूँ। उसके लिए लाइव क्लास लूंगा, आज सैटरडे है तो हर एक सैटरडे को 8 PM मैं क्लास लाऊंगा, ऐसे ही वीकली क्लास होगा। तो आज फर्स्ट क्लास है, आज बेसिक्स ऑफ लूमिस मेथड सीखेंगे, मतलब फेज ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक लूमिस मेथड टेक्निक है वो हम लोग सीखेंगे। ओके तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं कैमरा का रोटेट करूंगा और मेरा जो डेस्क है वहां पर लेके जाऊंगा, ठीक है। हाय आकृति, सब लोग को वेलकम क्लास में, शुरू करते हैं चलो। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। ठीक से मेरा डेस्क दिख रहा है कि नहीं थोड़ा कमेंट करके बता दो, ठीक से दिख रहा है कि नहीं थोड़ा कमेंट कर दो, ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, साउंड प्रॉपर है, ठीक से दिख रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं एक पेपर यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल कार्ट शीट है 140 GSM में, इसमें ही सिखाऊंगा क्योंकि आज बेसिक सिखाएंगे, शेडिंग नहीं। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, शेडिंग के लिए कौन सा पेपर क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं साइड में मेरा जो आईपैड है वो लेकर बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मैं पूरा जो रेफरेंस फोटो है, बाकी जो चीज़ है वो दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें इरेज करना जल्दी से पॉइंट आउट करके दिखाना ईजी है। तो ओके तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, जो लूमिस मेथड मतलब फेस के बारे में सीखेंगे। लूमिस मेथड के बारे में जानने से पहले फेस के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक रेफरेंस फोटो ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस फोटो ले लेता हूँ, और रेफरेंस फोटो किसका होगा, हम सबका चहिता सुशांत सिंह राजपूत का। मैंने यही फोटो सिलेक्ट किया क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास है, एंड आई होप कि ये वाला इनका ही पोर्ट्रेट बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा रेफरेंस इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले समझते हैं फेस के बारे में, ठीक है। एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे कि हम सबका ह्यूमन का फेस जो है वो दिखने में तो अलग अलग है, मतलब मेरे से आपका फेस में कुछ डिफरेंस है, सुशांत सिंह राजपूत का फेस में कुछ डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग अलग अलग दिखते हैं। पर अगर हम लोग फेस को ऐसे हटा दे, सबका जो स्कल है जो स्कल है वो देखे, तो अगर 5 स्कल हम लोग एक के बाद एक रखेंगे तो हर एक स्कल एक टाइप का ही दिखाएगा, क्यों? क्योंकि फेस का जो एनाटमी है स्कल, ठीक है, और जो एनाटमी है फेस का वो सेम होता है, मतलब हर एक ह्यूमन फेस का एनाटॉमी जो है वो सेम होता है, इसीलिए हम सबका फेस अलग होने के बावजूद भी सेम है। कैसे, वो आज आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो उसके वजह से मतलब वो जो थॉट है, वो जो थियोरी है, उस थियोरी को और भी अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे लूमिस मेथड में। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, लूमिस मेथड। लूमिस मेथड, सो लूमिस मेथड जो है वो आर्टिस्ट, रिनाउंड आर्टिस्ट एंड्रयू लुमिस ने बनाया है, तो उनके नाम पे ही ये मेथड का नाम है, ठीक है। तो कमेंट्स थोड़े बाद देखते हैं, थोड़ा ऐसा डिस्कस कर लेते हैं, फिर कमेंट्स में आप लोगों को देखूंगा। ओके आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं बाद में देखता हूँ। ओके तो लुमिस मेथड जो है वो एंड्रयू लुमिस ने बनाया है, एंड्रयू लुमिस, आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो एंड्रयू लुमिस। तो एंड्रयू लुमिस ने क्या किया, ह्यूमन फेस का जो एनाटॉमी है, मतलब ह्यूमन फेस का जो गठन है, उसको देखते हुए फेस में कुछ ऐसे डिविशंस किया है जिससे आप लोगों को इजी हो फेस ड्रॉ करने में, क्या वो देखते हैं, ठीक है। हमारा फेस कैसा, शेप कैसा है, अगर देखे तो फेस का जो शेप है वो सर्कुलर है, या फिर आप लोग इसे ओवल कह सकते हो। ये जो फेस आप लोग देख रहे हो ये क्या है, थोड़ा सर्कुलर है, थोड़ा ऐसे ओवल है, ठीक है। तो लूमिस मेथड में एंड्रयू लूमिस ने क्या पहले समझाया वो थोड़ा स्केच कर लेते हैं, फिर उसको ऐसे रियल लाइफ में किसी पोर्ट्रेट के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ओके तो
तो सबसे पहले लूमिस मेथड में एंड्रू लूमिस ने सिखाया है कि सबसे पहले हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या सर्कल? तो चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया एक परफेक्ट सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सर्कल को चार हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके, चार समान हिस्सों में डिवाइड करना है। तो चलो करते हैं। सर्कल का बीच का एरिया कौन सा है? ये है डॉट, सर्कल का एकदम बीच का पोर्शन। तो इससे हम लोगों को चार हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये हो गया एक वर्टिकल लाइन और ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो इससे क्या होगा, एक दो तीन चार, चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। ओके, तो अब लाइन को थोड़ा डार्क करने को बोल रहे हो, ठीक है थोड़ा डार्क करके ही करूंगा। ओके, आप लोग थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा दो, 480 या फिर 720 में देखो तो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो अब चार हिस्सों में डिवाइड करने को बोला है एंड्रू लूमिस ने। उसके बाद क्या किया है, ये जो वर्टिकल लाइन है, जो लंबा लाइन है, उसको समान छह हिस्सों में डिवाइड करने को बोला है। समान छह हिस्सों में कैसे? ऑलरेडी तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे एक डिवीजन और दो डिवीजन, दो डिवीजन हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है उसे समान तीन हिस्सों में डिवाइड करना है और नीचे का जो पोर्शन है उसे समान तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कैसे करूँगा, ये देखो, ये पूरा आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से करना होगा, देख कर करना होगा कि कहाँ पे करने से समान तीन हिस्से हो गए। यहाँ पर जो मार्किंग मैंने दो दिया है, एक दो तीन, ये समान तीन हिस्से हो गया। नीचे भी सेम करेंगे, एक दो तीन। तो देखो मैं बहुत स्पीड से किया क्योंकि मेरा बहुत प्रैक्टिस हो गया है, तो ये समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा ये करने में, ठीक है? तो इसमें थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये जो डिविशंस है वो अगर समान नहीं हो तब पूरा पोर्ट्रेट करने में आप लोग को बहुत दिक्कत आएगी, खराब हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट फोर से परफेक्ट सिक्स डिविजन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ओके, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना। ये डिवीजन कर लेने के बाद क्या करना है, ऊपर का जो डिवीजन है इसको ऐसे पैरेलली एक लाइन देना है। ये देखो जैसे पैरेलली गया है वैसे ही पैरेलली देना है। नीचे का भी जो है इससे भी ऐसे एक पैरेलल लाइन देना है। हो गया। ये हो जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कहीं पर टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया। इसको अब हमें ज्वाइन करना है ऐसे वर्टिकल लाइन से। ये जैसे वर्टिकल है वैसे ही वर्टिकल करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी है वैसे। तो इससे क्या हो गया, देखो सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर जितना परफेक्ट बनेगा, आपका जो ये प्रोपोर्शन है, जो लाइन है, ये जो डिविजन है, वो उतना परफेक्ट हुआ है, ये आप लोग समझ लो। ये अगर नहीं अच्छा बन रहा है, मतलब आपका जो डिविजन है वो ठीक ठाक नहीं बना है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है, फेस तो हमारे एकदम सर्कल नहीं है, थोड़ा ओवल है, तो वो कैसे दिखेंगे, उसके लिए क्या करना है, ये देखो फेस के अंदर हम लोगों ने ये जो वर्टिकल लाइन है उसे छह हिस्सों में डिवाइड किया। अब क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा और नीचे तक एक्सटेंड करना है नीचे, और एक डिवीजन का जितना लेंथ है उसी लेंथ को नीचे जाके दे के और एक मार्किंग देना है। देखो यहाँ पर एंड हुआ था, यहाँ पर मैंने और एक लेंथ में मार्किंग किया, तो क्या हुआ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, टोटल सात डिवीजन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये टोटल सात डिवीजन ऐसे हो गया। अब क्या करना है, नीचे के जो मार्किंग है इसे थोड़ा ऐसे बड़ा कर दो और यहाँ से इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। तो इससे देखो जो शेप बन रहा है वो देखो एकदम फ्रंट फेस का एक शेप बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर देख कर ही समझ आ रहा है कि ये फेस का ही एक शेप है। तो ये है लूमिस मेथड का बेसिक प्रोपोर्शन, ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शन फ्रंट फेस का। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो अब इतने दूर तो आप लोग देख चुके हो, पर इसका मतलब क्या है, कौन सा चीज़ क्या डिनोट करते हो, वो असली चीज़ है। वो अगर आप लोग समझ लोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों के दिमाग में अगर एक बार घुस गया तो लाइफ टाइम रहेगा। तो समझ लो ये लाइंस, हर एक लाइंस का कोई ना कोई मतलब है। क्या है, देखो हम लोगों ने सर्कल में को सबसे पहले क्या किया, ये चार हिस्सों में डिवाइड किया। उसमें जो ये बीच का जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है किस लिए, ये है आईब्रो लाइन।
मतलब फेस में जो आईब्रो होता है, आईब्रो यहाँ पर होता है फेस में, एकदम बीच में इस लाइन के ऊपर आईब्रो होगा, ये है आईब्रो लाइन। ओके, तो आप लोग जब भी ड्रॉ करने जाओगे लूमिस मेथड में, आप लोगों को ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस लाइन के ऊपर ही आप लोगों का आईब्रो ड्रॉ करना है, वो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा फोटो के साथ, कैसे वो मैं बाद में दिखाता हूँ। ओके, तो ये है आईब्रो लाइन। ऊपर का जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये है हेयर लाइन, मतलब इसके ऊपर हेयर शुरू होगा, ये यहाँ तक हेड होता है, इसके ऊपर हेयर होगा। ठीक है, इसके ऊपर हेयर होगा। और ये जो मार्किंग है, ठीक है, ये जो मार्किंग आप लोग देख रहे हो, ये मार्किंग है नोज लाइन, मतलब यहाँ पर नोज होगा। ठीक है, आई होप आप लोग का क्लियर हो चुका है कि ये नोज लाइन है, ये आईब्रो लाइन है, ये हेयर लाइन है। ठीक है, तो ये तीन लाइन का ये मतलब है। और ये एकदम बाहर का जो ये है, इस लाइन का मतलब है, ये है चिन लाइन, मतलब यहाँ पर जो ये चिन है, ये यहाँ पर एंड होता है, चिन लाइन। ओके, आई होप आप लोगों ने, आप लोग में से जो भी पहले मेरे वीडियोस देख चुके हो तो वो लोग ये समझ गए हो, अगर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये डिवीजन हो गया, तो हम लोग आप सब जो पॉइंट्स है उसका मतलब ऐसे समझ गए। ठीक है, तो चलो अब ड्राइंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये फेस का जो ये मार्किंग्स है देख सकते हो, अब ये जो नंबर्स है इसके ऊपर, मतलब ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो ये है फ्रंट फेस का। ठीक है, अब मैं तो ये पेपर में किया, ये एक्चुअली एक फोटो के ऊपर कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ आप लोग, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ये तो ऐसे ही आप, मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल लाइफ में नहीं भी हो सकता है, ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप लोग, तो आप लोग इतने दूर तक, थोड़ा मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट, आप लोग क्या करो इतने दूर तक थोड़ा ड्रॉ कर लो जल्द से जल्दी, आपका जो स्केचबुक है इतने दूर तक ड्रॉ कर लो, मैं ऐसे क्लोज ले आता हूँ, आप लोग ये जो देख रहे हो इसे ड्रॉ कर लो, और जो ये मार्किंग्स है ये थोड़े अच्छे से आपके जो स्केचबुक है उसके ऊपर ड्रॉ करो। ठीक है, अब मैं थोड़ा आप लोगों का कमेंट्स देख लेता हूँ। चलो आप लोगों का जो कमेंट्स है वो देखते हैं, अब आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ये ड्रॉ करो। आप लोग का अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी तक का, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ा बता दो। ओके, तो आप लोगों से एक ने बताया कि सर्कल ठीक से नहीं बन रहा है। देखो देखो मैंने क्या किया, पहले तो एक सर्कल बना दिया, अगर आप लोगों का सर्कल ठीक से नहीं बन रहा है तो उसका भी एक हैक है। सर्कल बनाने के लिए आप लोग क्या करो, जो प्लस है ना उसे पहले ड्रॉ करो, कैसे, एक ऐसे प्लस बनाओ सबसे पहले, सर्कल पहले नहीं, पहले प्लस बना दो, सिर्फ प्लस जब आप लोग बना रहे हो, मतलब ये देखो ये प्लस है। ठीक है, प्लस में क्या करो, ये पॉइंट से इतने दूर तक, जितने दूर तक होगा इतने दूर तक ही इस साइड में होगा, मतलब जो चारों ऐसे लाइन है उसका डिविजन, जो उसका जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए, एकदम सेम डिवीजन करो चारों तरफ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, एकदम चारों तरफ सेम लेंथ रखो। लेंथ सेम रखने के बाद आप लोग क्या करो, ऐसे हाफ हाफ करके कर्व करो, हाफ हाफ करके ज्वाइन करो, सिर्फ ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे हाफ हो गया, फिर इस तरफ भी ऐसे हाफ हो गया, तो देखो ऐसे भी आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो क्यों, ये एक अच्छा ट्रिक है ना, आई होप आप लोग समझ चुके हो कैसे आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, अगर फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे पहले प्लस बनाओ उसके बाद सर्कल करो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये कर लो।
ये आप लोग करते रहो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही जो सेम चीज़ है ना वो यहाँ पर फोटो के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ ये एक एक एक्चुअल रेफरेंस फोटो के ऊपर कैसे काम करता है। चलो ये मैंने, आप लोग ये जल्दी कर लो, ठीक है? मैंने साथ साथ करोगे तो अच्छे से सीखोगे, और जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो वो भी वीडियो देखते देखते ही करो, उससे क्या होगा करते करते आप लोग सीख जाओगे। देखो अब मैं ये फोटो के ऊपर ही वही सेम टेक्निक, सेम पहले एक सर्कल, ठीक है? ये देखो एक पहले सर्कल, सर्कल के बाद स्ट्रेट लाइंस, चलो स्ट्रेट लाइंस इसे डिवाइड करते हैं। इस साइड से डिवीजन होगा, राइट? ये देखो ऐसे, ठीक है? एकदम नियम जैसे मैंने बोला वैसे ही हो रहा है, तो ये ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है? ये देखो डिवीजन हो गया। अब क्या करूँगा, जो ये लंबा जो वर्टिकल लाइन है इसे 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। चलो करते हैं, ये देखो मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया, ऑटोमेटिक देखो ये जो फोटो के साथ मैच हो रहा है ऑटोमेटिक। अगर मैं ये फोटो को बंद भी कर दूँ ना, बंद करके अगर ये करूँ, फिर जब मैं इसके साथ फोटो को मैच करूँगा देखना मिल जाएगा। ये देखो ये लाइन दिया, उसके बाद यहाँ पर ये लाइन दिया, फिर इसे ऐसे जॉइन किया, इस साइड में ऐसे जॉइन किया। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा धीरे से करना, जितना धीरे से करोगे उतना ही परफेक्ट बनेगा। फिर क्या करना है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे थोड़ा और बढ़ाना है, फिर यहाँ पर मार्क करना है, फिर इसे ऐसे करके जॉइन करना है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? ये देखो मैंने ये बना लिया। अब फोटो को देखो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। देखो फोटो में जहाँ पर चिन है वहीं पर ही है, जहाँ पर नोज है वहीं पर ही कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर जो आईब्रो है वहाँ पर ही आईब्रो है, जहाँ पर फोरहेड मतलब हेयर लाइन जहाँ से शुरू है वहाँ से ही हेयर शुरू है। देखो एकदम मैच कर गया। तो ये जो नियम है ना वो सब फोटो के लिए काम करेगा, ऐसा कि नहीं कि आप एक फोटो में ही ऐसे होगा, हर एक फ्रंट फेस का जो भी आप लोगों का रेफरेंस फोटो का उसके साथ ये नियम काम करेगा। तो यही है मैजिक लूमिस मेथड का। आई होप आप लोग समझ चुके होगी कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे मैच हो जा रहा है सेम मेथड इस फोटो के साथ, ठीक है? तो आप लोग अगर ड्राइंग कर लिए हो या फिर समझ गए हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कर लो कि हाँ आप लोग समझ गए। समझ गए तो एक ऐसे थम्सअप ऐसे कॉमेंट कर दो सब, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग समझ चुके हो। तो नेक्स्ट जो मेथड नेक्स्ट जो है वो उसके तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। इसके बाद भी कुछ चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है? तो ये अगर आप लोग समझ चुके हो तो मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे। हाँ तो अनिकेत ने कमेंट किया है कि यार कहाँ पा रहा था। नॉर्मली फेस में ये जो आईब्रो लाइन और जो नोज लाइन है इसके अंदर का जो ये हाफ एरिया रहता है ना सर्कल का, इस एरिया में ईयर मतलब कान आता है। पर अगर आप लोग रेफरेंस फोटो देखते हो तो कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है, रेफरेंस फोटो थोड़ा फेस ऐसे ऊपर की तरफ दिख रहा है या फिर थोड़ा ऐसे नीचे होकर है फेस, थोड़ा ऐसे जो ईयर है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वो फोटो एंगल का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? पर जनरली यहाँ पर ही ये जो सर्कल के अंदर ये जो एरिया है दोनों साइड में ये होगा, ठीक है? तो ये एरिया है ईयर के लिए, ईयर मतलब कान, कान के लिए। हाँ, तो प्रीतम कॉम्प्लीट कमेंट किया है कि फोटो के ऊपर ऐसे कैसे मार्किंग करना है, मतलब नहीं कर पा रहे हो। वो मैं बता दूं कि ये फोटो के ऊपर तो मैं आईपैड में कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबके पास तो आईपैड नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे? कोई चिंता नहीं है, मैं हूं ना,
रुको वो भी थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे करना है। ये मेरा फोन है, ठीक है, फोन में आप लोग कैसे कर सकते हो वो दिखा देते हैं। पहले थोड़ा जो रेफरेंस फोटो है वो निकाल लेते हैं। रेफरेंस फोटो, रुको मेरे पास रेफरेंस फोटो, देखता है देखता हूँ मेरे पास रेफरेंस फोटो, यही वाला रेफरेंस फोटो चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा ढूंढ रहा हूँ। रुको मैं ये जो डिफरेंस फोटो है इसे थोड़ा मेरे इस फोन पे ले लेता हूँ। आई होप आप सब जो पिक्सार्ट ऐप है उस ऐप को जरूर पहचानते होगे। पिक्सार्ट ऐप को आप लोगों के आपके फोन में डाउनलोड करना है, ये बाद में। तो यहाँ पर पिक्सार्ट ऐप निकाल लेते हैं। रुको मेरे पास भी पिक्सार्ट ऐप नहीं है, अब थोड़ा डाउनलोड कर लेता है। आप लोग इतने दूर तक जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। उसके बाद फोन में आप लोग ये जो मार्किंग्स है वो कैसे बनाओगे बनाओगे वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। पहले तो ये डाउनलोड कर लो, आज ये ड्रॉ कर लो। आज मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि इस पोर्ट्रेट को ही आप लोग इस मतलब ये इसके ऊपर कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक आज का क्लास है, ठीक है। अगर आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं समझेगा कि एक रेफरेंस फोटो से कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, आज एकदम बेसिक जो नियम है वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि बेसिक आप लोग का एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेफरेंस फोटो लेकर रेफरेंस फोटो को लूमिस मेथड से जो पेपर है पेपर के ऊपर आउटलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ष ने कमेंट किया है, भाई चिन ड्राइंग में डाउट है प्लीज बता दो। चिन मतलब ये वाला एरिया, ये क्या होगा, सर्कल के अंदर एक डिवीजन का जो लेंथ है उसी लेंथ को आपको लेकर सर्कल के बाहर भी उसी लेंथ को बिठाना है। जितने दूर तक जाएगा उतने दूर तक ही चिन्ह होगा, ठीक है, समझ गए। जितने दूर तक एक लेंथ सर्कल के बाहर जाएगा उतने दूर तक ही चिन्ह होगा। तो ये है चिन्ह के बारे में। ओके तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी पिक्सार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे ये आप लोग कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, कौन सा वीडियो थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे कौन सा वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। कौन से वीडियो में मैं आप लोग को ये सिखाया था कि फोटो यूज करते हुए मतलब फोन में आप लोग फोटो को कैसे एडिट करके ये जो मार्किंग्स है वो बना सकते हो। थोड़ा नीचे जाना क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने ये दिया था। ये देखो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला ड्राइंग लूमिस लाइन ऑन योर फोन, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे बाद में डाल दूंगा, चेक कर लेना, या फिर चैनल में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ड्रॉ लूमिस लाइन ऑन योर फोन, ये वाला वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया कि कैसे आप लोग लूमिस मेथड का जो लाइंस है वो फोन में क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग पिक्सार्ट में ही कर सकते हो, तो उसको प्लीज इस वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देख लेना, तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो मैं अभी पिक्सार्ट में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लास के एकदम एंड में दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया फेस, अब थोड़ा इसे बंद करते हैं। अब क्या करेंगे, अब एक नॉर्मल फेस ड्रॉ करेंगे इस नियम के ऊपर। ओके एक नॉर्मल फेस मतलब यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का नहीं कर रहे, क्योंकि आज का फर्स्ट क्लास है तो एक नॉर्मल फेस करेंगे। चलो करते हैं। फेस कहाँ से ड्रॉ करना शुरू होता है, मैं हम लोगों ने तो प्रोपोर्शन सीख लिया, पर फेस कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है वो देखते हैं। चलो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये देखो एकदम फेस का मिडिल का एरिया है, राइट, ये एकदम मिडिल है। तो फेस का जो एकदम मिडिल पोर्शन है हर टाइम वहां से ही ड्रॉ करना शुरू करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल में क्या है आप लोग बोलो, ये है आईब्रो लाइन, मतलब यहाँ पर आईब्रो शुरू होता है, तो हम लोग आईब्रो से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा दूर आईब्रो शुरू होगा दोनों साइड में, तो यहाँ पर चलो थोड़ा ये कैमरा को पास ले लेते हैं, थोड़ा पास ले लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। आई होप आप लोग अब अच्छे से देख पा रहे होंगे, राइट। तो अब यहां से शुरू करेंगे। चलो ये जो लाइन है ना इसके ऊपर ही हम लोगों को आईब्रोज ड्रॉ करना है, और जो आईब्रोज होगा वो लाइन के नीचे भी नहीं लाइन के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक, एकदम लाइन के बीच से जाएगा ऐसे देखो। और ये हमारा फेस का इन पोर्शन है, ये नहीं, ये समझ लो ये जो साइड का है ना ये फेस नहीं है, ठीक है, इसे मिटा दो। ये वाला पोर्शन हमारा फेस का एंड है, यहाँ पर कान होगा वो अलग बात है, पर फेस का एंड पोर्शन ये है। तो हम लोगों को उसके पहले ही जो
जो आईब्रोज है वो करना है। देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आईब्रो हो गया। आईब्रो के बाद क्या ड्रॉ करना है? आईब्रो के बाद ड्रॉ करना है हमें नोज। नोज कैसे करना है? यहाँ से तो ये दो ऐसा एंगल क्रिएट हुआ, उसके बाद हम लोग को स्ट्रेट ऐसे नवाना है और नीचे जाना है। ओके, फिर इतने दूर तक आके छोड़ दो, ऊपर से नोज मत ड्रॉ करो, नीचे से ऊपर तक करो। कैसे? ये हमारा जो पॉइंट है वो नोज लाइन है, मतलब यहाँ से ही नोज शुरू होगा, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, यहाँ से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर ऐसे नोज ड्रॉ करेंगे। मैं एक बेसिक इमेजिनरी एक फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई रेफरेंस बोर्ड के साथ मिला के नहीं, ताकि आप लोग को समझाने में इजी हो, बेसिक समझ लो, बाद में तो वो भी करेंगे। तो ये नाक हो गया। अब क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमें एक एरिया मिला वहाँ पर ऐसे कर्व है, ये जो कर्व है इस कर्व के ऊपर क्या होगा, लिप्स होगा। तो हमें क्या करना है, इस पोर्शन को बीच से ऐसे डिवाइड कर लेना है, दोनों साइड में सेम डिस्टेंस में, इस साइड में जिसने जितने डिस्टेंस में होगा इस साइड में भी उतने ही डिस्टेंस में होगा। तो मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को जो लिप्स है वो ड्रॉ करना है, बहुत ही इजी करके कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है, टफ तो बाद में भी करेंगे। ये हो गया लिप्स। अब आईज जो है वो एकदम आखिर में मैं ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ, आप लोगों को जो अभी कर सकते हो, पर ऐसे आईब्रोज और नाक के बाद ही करना, पहले नहीं, पहले आईब्रोज उसके बाद नाक उसके बाद आईज, ठीक है, ये एकदम समझ लो। चलो अब मैं फेस का जो आउटलाइन है वो कर लेता हूँ। अगर ट्यूटोरियल मतलब ये लाइव क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सब, और एक ऐसे थम्स अप, एक थम्स अप नीचे कमेंट कर दो लाइव चैट में कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ऐसे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऊपर का ये पोर्शन क्या मैंने बोला था, हेयर लाइन, मतलब यहाँ पर हेयर होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हेयर लाइन बना देते हैं थोड़े स्टाइलिश करके। वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक ही है ब्रदर, आप क्या करो, आपका जो खुद का वीडियो का सेटिंग है वहाँ पर जाके थोड़ा ऐसे उसे हाई कर लो, ठीक है। मेरी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी थोड़ा, मैं ऐसे देख लेता हूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। हाँ वीडियो क्वालिटी मेरी यहाँ पर एकदम बराबर है, आप आपका सेटिंग में थोड़ा ऐसे हाई कर लो। मैं मेरे दूसरे फोन से चेक कर रहा हूँ कि कैसा लाइव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एकदम प्रॉपर ही है। तो और एक बात है, जो ये हेयर का पोर्शन, ये जो सर्कल है, ये सर्कल तो हमारे स्कल के लिए है, मतलब माथा इतने दूर तक होगा, पर एक एक जन का तो हेयर का स्टाइल एक एक टाइप का है, और मेरा तो कुछ अलग ही है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो हेयर का स्टाइल अलग अलग होगा, तो ऐसे वो स्कल के ऊपर भी जा सकता है, ये अपर स्कल है, इसके ऊपर भी हेयर स्टाइल जा सकता है, तो उसके साथ स्कल का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये बहुतों का कन्फ्यूजन रहता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला था कि कान होगा, तो यहाँ पर कान कर देते हैं। नॉर्मल मैंने एक कान ड्रॉ कर दिया, आप लोग सिर्फ दिखाना है कि हाँ ये मेथड से कैसे एक फेस ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर आईब्रोज जहाँ पर खत्म होता है वहां से स्ट्रेट नीचे आओ, नीचे आके लाइन दो, तो वहां पर गला होगा, ठीक है, इससे आप लोग का गला ज्यादा पतला भी नहीं होगा, ज्यादा मोटा भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, हो गया। अब मैं जो आंख है वो ड्रॉ करूंगा। आंख ड्रॉ करने के पहले एक बात बता दूं, हमारा आंख का जो लेंथ होता है ना, मतलब समझ लो कि ये एक आई है, ठीक है, ये हमारा एक आई है। ह्यूमन एनाटॉमी फेस का ऐसा ही है कि एक आई का जो लेंथ है, मतलब एक आई का लेंथ समझ लो 2 सेमी है। तो क्या होता है, एक आंख से दूसरे आंख के मिडिल का जो डिस्टेंस होता है ना वो भी 2 सेमी ही रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ पर समझ लो दूसरा आंख है,
इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक आर्क के लेंथ के समान ही होगा, मतलब ये टू ये टू ये भी 2 सेमी, टोटल क्या हो गया 6 सेमी। तो मतलब आर्क का जो लेंथ है वही उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, वरना क्या होगा आर्क ज़्यादा पास पास हो जाएगा, ये बहुतों का प्रॉब्लम होता है। तो ये सॉल्व करने के लिए ये नियम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब मैं भी करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा एक ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लूँगा हल्के से, ठीक है। जो भी प्रोपोर्शन लाइंस है वो बहुत ही हल्के हाथों से करो, क्योंकि उसे हम लोगों को बाद में मिटाना भी है। तो पहले एक लाइन बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नाक से दोनों तरफ मतलब कितने दूर तक आँख शुरू होगा वो एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर एक किया मार्किंग, यहाँ पर एक किया मार्किंग, दोनों साइड में सेम डिस्टेंस हो गया। अब हम लोगों को एक डिस्टेंस मिला बीच में, जो डिस्टेंस मिला वही आँख का लेंथ है, मतलब इतने दूर तक उतने ही दूर में आँख होगा इस साइड में, यहाँ पर भी उतने ही दूर तक आँख होगा इस साइड में। समझ गए कैसे आप लोगों का आँख ड्रॉ करना है, पहले नाक से दोनों तरफ कितने दूर में आँख शुरू हुआ है वो देखना है, फिर आपको जो आँख का लेंथ है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और पूरा जो ड्राइंग है वो देखो, मैं कोई कर्व लाइन इस्तेमाल करके नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कर्व लाइन नहीं इस्तेमाल करो, क्या करो ऐसे ब्रोकन लाइन, ब्रोकन स्ट्रेट लाइन। ब्रोकन लाइन से ड्रॉ करने से क्या होता है, आर्ट बहुत प्रोफेशनल दिखता है और ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग जनरली स्ट्रेट लाइन बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं कर्व लाइन के मुकाबले, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो, ब्रोकन स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो तो बहुत ईजी होगा। देखो वैसे ही मैं ब्रोकन स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर का ऐसे थोड़ा भांज कर दूंगा और आग कर दूंगा। आग करने के समय बहुतों ने ऐसे प्रॉब्लम किया है कि एकदम पूरा ही प्यूपिल दिखा देते हैं सर्कल करके, नहीं यार पूरा नहीं दिखाना है आप लोग, हाफ दिखाना है ऐसे, हाफ ऐसे साइड में भी ऐसे हाफ करना है, क्योंकि पूरा नहीं दिखाई देता है नॉर्मल टाइम में, जब आप लोग बहुत डर जाते हो तब पूरा दिखाई देता है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन में काम आता है, नॉर्मल फेस में ऐसे हाफ ही दिखाई देता है। तो देखो इससे क्या होगा, ये देखो फेस पूरा कंप्लीट है, एक नॉर्मल फेस, एक आइडियल फेस ड्रॉ कर लिया मैंने लूमिस मेथड से। ओके आई होप आप लोग समझ चुके हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर समझ गए हो तो अगेन बोल दो, कुछ कमेंट कर दो कि हाँ ठीक ठाक हो रहा है समझ रहे, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता दो, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है प्रॉब्लम हो ही सकता है, तो फर्स्ट क्लास में ही सब प्रॉब्लम्स सब कन्फ्यूजन अगर क्लियर हो जाएगा तो बाद के जो क्लास होंगे वो बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट फेस, एकदम फ्रंट फेस हो गया ये। तो फ्रंट फेस के बाद हम लोग अब सीखेंगे साइड फेस, मतलब फेस तो ऐसे फ्रंट है, अब साइड में अगर देख रहा है कोई तो वो कैसे ड्रॉ करना है वो अब सीखेंगे। तो आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, आधे घंटे के में मैंने जो फ्रंट फेस है वो सिखा दिया, अब बाकी आधे घंटे में मैं साइड फेस सिखाऊंगा। ओके चलो, तो आई होप ये आप लोग समझ चुके हो, तो ये थोड़ा ऐसे रख देते हैं नीचे। ओके आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में मैं ये सब चीज़ों का लिंक ड्राइव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग एक डेढ़ घंटा बाद चेक करना आप लोग को मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड करने में, या फिर आप यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो। ओके ले लिया, चलो अब नेक्स्ट शूट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे साइड फेस, तो चलो पहले एक साइड रेफरेंस फोटो देखते हैं। मैं आज जो जो रेफरेंस फोटो दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में वही रेफरेंस फोटो को यूज करते हुए आप लोगों को फोटो से कैसे ड्रॉ करोगे वो सिखाऊंगा। ओके एक क्लास में अगर सिखाऊंगा तो ऐसे माथे के ऊपर से जाएगा, ठीक है, तो एक क्लास में नहीं सिखा रहा, नेक्स्ट क्लास में वो सिखाऊंगा। तो ये तो फ्रंट फेस था, फ्रंट फेस के बाद अब साइड फेस करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ भाई मेजरमेंट मैं तो बहुत जल्दी जल्दी किया क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, आप लोगों को थोड़ा टाइम देकर करना है, अभी थोड़ा आप लोग ऐसे करके रखो ताकि समझ में आ जाए, एकदम परफेक्ट नहीं होगा अभी क्योंकि टाइम देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा टाइम दोगे तो उतना ही आप लोगों का मेजरमेंट ठीक होगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे थोड़ा कर लो, रफ कर लो,
परफेक्ट अभी नहीं होगा, बाद में घर में प्रैक्टिस करना। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक साइड फेस ले लिया, तो साइड फेस में अब कैसे नियम काम करता है वो देखेंगे, सॉरी। ओके, तो साइड फेस में लुमिस मेथड का जो भी हम लोगों ने नियम सीखा अभी तक, सब नियम सेम रहेगा, कुछ कुछ एरिया में चेंजेस आएगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम ही अलग नियम है, ठीक है। तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे साइड फेस, साइड फेस। ओके, सेम हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप लोग एक काम करो, ठीक है, आप लोग ना सर्कल ड्रॉ करना प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों को लाइफ टाइम ये काम में आएगा। वो प्लस से तो ड्रॉ कर ही सकते हो, पर जितना आप लोग ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या ड्रॉ करना है, सर्कल को हम लोगों को सेम सेम वैसे ही चार हिस्सों में डिवाइड करना है। जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, चलो। देखो चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने, चार हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब थोड़ा नियम का चेंजेस है, ये आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि साइड फेस थोड़ा ऐसे क्रिटिकल है फ्रंट फेस से, ये अच्छे से समझना। ऐसे जो हम लोगों ने वर्टिकल लाइन दिया है ना, सेम वर्टिकल लाइन हम लोगों को यहाँ से नीचे की तरफ देना है, क्योंकि ये देखो एकदम साइड फेस है, तो साइड फेस में ये थोड़ा ऐसे काम करेगा, क्या यहाँ से हम लोग को ऐसे नीचे लाइन देना है। देखो दे दिया, तो अभी देखो अभी देख कर लग रहा है कि ये साइड की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो हो गया, अब सेम वो जो डिविजन है वो सेम रहेगा, वैसे आप लोग को डिविजन करना है। ये हो गया छः डिविजन, ये हो गया छः डिविजन, ऊपर का जो डिवीजन है उसे आप लोग ऐसे एक्सटेंड कर दो, नीचे का जो है उसे भी एक्सटेंड कर दो। पर अब क्या करना है, इसे हम लोग को बाहर यहाँ पर ला के टच करना है। सेम यहाँ से भी एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लाना है। फिर क्या करना है, ये तो छः डिवीजन हो गया, और सातवां जो डिवीजन होगा, सेवेंथ डिवीजन, वो यहाँ से नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर सेवेंथ डिवीजन। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर सेवेंथ, यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे ला के इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देना। देखो ऐसे साइड की तरफ देख रहे, हो गया है, लग रहा है ना साइड। एक मिनट है, लग रहा है ना साइड की तरफ दिख रहा है। तो ये है हमारा नियम, सेम वही टाइप का होगा, सिर्फ ये साइड की तरफ दिख रहा है, ये लाइन वही सेम हेयर लाइन है, हेयर लाइन नोज, सॉरी ये आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन। अगर मैं ज्यादा फास्ट फास्ट समझा रहा हूँ तो थोड़ा बोलना है, मैं स्लो हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोज लाइन, और ये होगा चिन लाइन, ठीक है। ये पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल में, टेंशन मत लो, तो आप लोग फिर से देख सकते हो। ओके, आप अभी देखने में कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में आप लोगों को फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, थोड़ा चेंजेस है ये समझ लो। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने एरिया मिला हम लोगों को, वहां से एक थोड़ा और छोटा एक सर्कल यहाँ पर अंदर ड्रॉ करना है, ऐसे इस पोर्शन में। इस सर्कल का क्या काम है वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। देखो ऐसे करना है, तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शन साइड फेस का। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से अगर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो गला हो जाएगा, हो गया फेस। अब चलो ड्राइंग करते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल ही गया है। अब यहाँ पर करके दिखाओ, फोटो में भी करके दिखाओ, ये साइड वाला फेस कमेंट करके बताओ, फोटो में भी करके दिखाओ या फिर डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करो, बोलो फोटो में भी अभी करना जरूरी है, बताओ। जो भी देख रहे हो जल्द से जल्द फोटो में भी करूँ या फिर यहीं पर ही डायरेक्ट करूँ, कमेंट कर दो, फिर शुरू करेंगे। जो भी आप लोग चाहोगे वैसे ही होगा, डायरेक्ट ड्रॉ करूँ, ठीक है डायरेक्ट करता हूँ, फोटो में भी चाहिए, ओके ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, फोटो में भी कर देता हूँ।
को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, सेम वही चीज दिखाता हूँ। फोटो के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है वो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है? अब थोड़ा सिर्फ देखो। अब लोग इसी बीच ना खुद भी थोड़ा ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो। रफ करके, हाँ, ज्यादा प्रिसिशन का जरूरत नहीं है। ड्रॉ इसीलिए करने को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, बाद में तो आप लोग एकदम परफेक्टली करोगे, मुझे वो पता है, बाद में तो करोगे। अब सिर्फ इसलिए करो ताकि आप लोग को याद रहे। लाइन को, फोटो को हटा दो, हटा के देखो कैसे काम कर रहा है। देखो सेम वही चीज मैंने यहाँ पर फोटो के ऊपर बना लिया, देख सकते हो। तो ये है कैसे फोटो में भी सेम चीज होता है। अब जल्दी से जल्दी चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लेता है। तो मैं पहले ही बता दूँ, ये वाला फेस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है? एक नॉर्मल फेस, साइड फेस का एक नॉर्मल फेस ड्रॉ करते हैं। ये देखो, यहाँ से हेयर लाइन था, वहाँ पर ही देखो हेयर स्टार्ट हुआ है, ये वाला पोर्शन में वही से ही हेयर स्टार्ट हुआ है। जहाँ पर नोज आईब्रो लाइन था वहीं पर ही आईब्रो हुआ है, जहाँ पर नोज खत्म हुआ था वहीं पर ही नोज खत्म हुआ है, देखो एकदम, ठीक है? तो ये चीजें थोड़ा ऐसे देख लेना, यहाँ पर थोड़ा मेरा साइज बड़ा हो गया, ये इसे थोड़ा एडजस्ट करना है, नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा हो गया, रुको। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। क्लास कैसा लग रहा है नीचे कमेंट कर दो यार, क्लास कैसा लग रहा है बोल दो। और नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या आप लोग सीखना चाहते हो नीचे बताते रहो, मैं बाद में जो मैसेज है वो देखता रहूंगा, देख के समझ जाऊंगा कि आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्लासेस में एक के बाद एक लाता रहूंगा वो चीज़। आप लोग सिर्फ पूछ, मुझे बता दो कि आप लोग को क्या सीखना है। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से, ऐसे ब्रोकन स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर जो ये सर्कल है ना, ये सर्कल सर्कल देखो कहाँ पर टच हुआ है, एकदम सर्कल के यहाँ पर ही जो नाक है वो खत्म होगा, इसके बाहर नाक नहीं जाएगा, या इस साइड में यहाँ पर ही खत्म होगा। देखो रेफरेंस फोटो में भी सही वही हुआ है, ठीक है? नियम एकदम मैच कर जाएगा, ठीक है? तो लुमिस मेथड का कमाल ही ये है कि अगर आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए ना तो बहुत ही इजी हो जाता है लुमिस मेथड। और जो लोग इतने दिनों तक ग्रिड मेथड कर रहे हो उन लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग जितना भी ग्रिड करो, ठीक है, जितना भी ग्रिड करो उससे ना आप लोग जितने बार ग्रिड करने बैठोगे सेम प्रोसीडियर रहेगा, आप लोग नया कुछ नहीं सीखोगे। पर आप लोग जब ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक शुरू करोगे ना, उससे क्या होगा, पहले पहले बहुत कठिन है, ये तो मैं भी ऐसे मानता हूँ कि ये पहले पहले कठिन है क्योंकि एकदम ही अलग है ना ग्रिड मेथड से। पर जब आप लोग धीरे धीरे सीखने लगोगे ना तब तो एक अलग ही मज़ा लगेगा, और वो जो मज़ा है वो और भी बढ़ जाएगा जब आपका मैच होना स्टार्ट हो जाएगा फोटो के साथ, रेफरेंस फोटो के साथ आपका ड्राइंग। वो कब होगा, आप लोग मिनिमम 5 ऐसे स्केच कर लो, फेस स्केच,
अच्छे से ट्यूटोरियल देख के या फिर मेरा वीडियोस देख के या फिर किसी का भी, 5 ऐसा फेस सिर्फ स्केच करो, शेडिंग के बारे में अब मत ध्यान दो, अब आप लोग स्केच करो, स्केच में ध्यान दो, और स्केच करके 5 करने के बाद देखो कितना इम्प्रूव हुआ है, पहले वाला देखो और 5वीं जो होगा वो देख कर देखो कि कितना इम्प्रूव हुआ है लूमिस मेथड में, और तब आप लोग खुद से क्वेश्चन करना, अब जब आप लोग सोच रहे हो कि नहीं आप लोग नहीं कर सकते लूमिस मेथड, तब आप लोग खुद से ऐसे बोलोगी कि उतना भी तो कठिन नहीं था यार, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही हो जाता है। ठीक है, तो जो जो समझ रहे हो कि बहुत कठिन है, बहुत ही अलग है, नहीं यार, सिर्फ थोड़ा अलग है, कठिन नहीं है। ओके, तो देखो सेम मैं वही मैच करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सर्कल है, अंदर का सर्कल का कुछ काम था मैंने बताया था, अंदर के सर्कल के ईस्ट साइड में मतलब अंदर भीतर आँख नहीं जाएगा, ये 2 सर्कल के भीतर ही आँख रहेगा। देखो यहाँ पर भी सेम वही हुआ है। ठीक है, देखो वही पर ही मैं यहाँ पर आग ड्रॉ करूंगा। अगर यहाँ पर रेफरेंस फोटो नहीं भी होता, मैं एक नॉर्मल फेस ड्रॉ कर रहा होता, तब भी यही करना होता, और साइड का आँख थोड़ा अलग होता है, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच्ड होता है, लंबा टाइप का होता है, ये जो प्यूपिल है वो ऐसा लंबा होगा। मैं ये वाला फेस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ मैच मत करना, क्योंकि मैच करके कैसे ड्रॉ करना है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं सिखा दूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वो टाइम देकर ड्रॉ करना होता है, मेरा जो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी है चैनल में वो तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि कितना टाइम देकर मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो लाइव में भी वो करूँगा, लाइव क्लासेस में भी दिखाऊंगा वो करके, ताकि एकदम आप लोग का क्लियर हो जाए। आज सिर्फ आप लोग का एक ऐसे बेसिक सा ड्रॉ करके दिखा दो कि हाँ कैसे किया जाता है। और कान कान यहाँ पर ही होगा, ये 2 मार्किंग के अंदर। यहाँ पर देखो थोड़ा ऐसा नीचे दिख रहा है ना, वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है, कानों के बारे में ही बात है, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा देख लेना है रेफरेंस फोटो। चलो जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, ज्यादा मैच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल ऐसा एक फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। दीपिका का फोटो कभी बाद में ड्रॉ करेंगे एकदम हूबहू करके, अब सिर्फ एक नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा पास से दिखा लेता हूँ क्या किया मैंने। ये देखो हो गया, ये एक साइड फेस लग रहा है अब, तो ऐसे ही करना है। अब थोड़ा आप लोग का मैसेज देख लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस हैचिंग, हाँ क्रॉस हैचिंग भी सिखाऊंगा दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा क्योंकि मुझे एक शेड्यूल बनाना है, याद रहेगा मुझे कि आप लोग को क्रॉस हैचिंग भी सीखना है, मैं लिख लूंगा कहीं पर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिजिटल आर्ट, ओके भाई डिजिटल आर्ट भी दिखाएंगे, थोड़ा दिन रुक जाओ। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये हो गया एकदम साइड फेस। तो अब आप लोग क्या करो, ये साइड फेस वाला जो ये है इसे भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, लगेगा काम में लगेगा, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाला भी लिया था, अगर नहीं लिए हो तो बाद में वीडियो को फिर से चालू करके लाइव खत्म होने के बाद में फिर से देख लेना। ओके, तो ये हो गया साइड फेस और फ्रंट फेस। आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि ऐसे एकदम साइड फेस कैसे ड्रॉ करना है, और एकदम फ्रंट फेस जो है वो ड्रॉ कैसे करना है। मैं एक टाइम रुक जाओ, पास पास रख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो एकदम साइड फेस कैसे करना है और एकदम फ्रंट फेस कैसे करना है, नियम सिर्फ देखो। अभी आप लोग को बाद में तो फोटो के साथ मैच करके करना ही होगा, अब के लिए सिर्फ नियम देखो। ये हो गया, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा क्या करते हैं, आप लोगों को वो पिक्स आर्ट वाला जो चक्कर था वो दिखा देते हैं, डिटेल में आप लोग वीडियो देख लेना। अब मैं आप लोग को थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि कैसे पिक्सआर्ट में किया जाता है। पिक्सआर्ट ऐप को आप लोग को ओपन करना है, अगर आप लोग के पास नहीं है तो थोड़ा लॉगिन करना पड़ेगा। अब पिक्सआर्ट के अंदर मैं जो रेफरेंस फोटो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये है रेफरेंस फोटो, मैंने पिक्सआर्ट के अंदर ले लिया। अब क्या करना है, नीचे ऐसे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके यहाँ पर देखो ड्रॉ वाला एक ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है ड्रॉ वाले ऑप्शन, ये ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाओ। फिर क्या होगा, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पर देखो एक शेप वाला ऑप्शन है, शेप,
शेप पे बहुत सारे शेप्स हैं, देखो सर्कल है, स्क्वायर है, लाइन है, ओके। और इसे आप लोग ऐसे कमा बड़ा भी कर सकते हो या फिर ऐसे थिकनेस भी क्रिएट कर सकते हो अलग अलग। तो यहाँ पर 1 ही रखो, पर अभी के लिए 2 कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में देखने का आसानी होगा, 2 कर देता हूँ और यहाँ पर लाइन को रख देता हूँ। अब इसे ओके कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, कलर को चेंज करके थोड़ा ब्राइट कलर रखेंगे, व्हाइट। क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन, ओके। अब ऐसे फोटो के जूम करो, फोटो के ऊपर ऐसे करके लाइन दो, थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसे ऐसे थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, एंगल भी चेंज कर सकते हो। लाइन को करना है एकदम दोनों आईब्रोज के मिडिल से, जो नोज है उसके मिडिल से और जो लिप्स है उसके मिडिल से रखना है। रख दिया, ये फर्स्ट वाला अगर हो गया है तो बाहर क्लिक कर दो, फिर से एक लो, फिर से लेकर फिर से ड्रा करो। कहाँ पर होगा, आईब्रोज के एकदम ऊपर, सॉरी आईब्रोज के एकदम ऊपर। रुको, इसे ऐसे क्लिक कर दो, फिर से लो वही वाला लाइन, आईब्रोज के एकदम ऊपर से देना है। ये देखो दे दिया एकदम आईब्रोज के ऊपर से। अब क्या करना है, अब एक सर्कल लेना है, चलो सर्कल ले लेते हैं। सर्कल यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, फिल स्ट्रोक, आप लोगों को स्ट्रोक करना है, ओके। अब यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, सर्कल ऐसे पहले एक बना लो, उसके बाद सर्कल को लेकर ऐसे एडजस्ट करो, सर्कल एकदम प्रॉपर सर्कल हो, ये ध्यान में रखना कि सर्कल का ओवल ना हो जाए, सर्कल एकदम प्रॉपर कर लो, फिर यहाँ पर क्लिक करके इसे छोटा बड़ा करो ऐसे। तो ऐसे करके आप लोग सर्कल को फोटो के ऊपर ऐसे बिठाओ, कहाँ पर बिठाओगे, यहाँ पर लिप, लिप जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर आप लोग सर्कल को लो ऐसे, वहाँ पर रखो, रख के इसे बड़ा करो। और एकदम ये जो जो पॉइंट है ना, देखो एक चीज़, यहाँ पर सर्कल में ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है और ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस दोनों का आप लोगों को मैच करके ये प्लस के साथ बिठाना है, प्लस के साथ इसे ऐसे बिठाना है, हो गया प्लस के साथ। अब आप इसको छोटा बड़ा करो ऐसे, छोटा बड़ा करके क्या करो, यहाँ पर देखो लिप जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर आप लोगों को सर्कल को रखना है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा जहाँ तक होना है। आपको सिर्फ क्या करना है, सर्कल को ऐसे प्लस के साथ एकदम बीच में रखना है, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, हो गया। अब ऐसे ही इसके बाद आप लोग को वही छोटे छोटे यहाँ पर लाइंस लेकर, यहाँ से लाइंस लेकर वो मार्किंग्स करना है, ऐसे करना है, ये सब ज्वाइन करना है। पूरा वीडियो आप लोग को चैनल में मिल जाएगा, वो मिस्टर बीस्ट का मैंने फोटो एक किया था, वो देख कर लेना, वहाँ पर मैं डिटेल में समझाया है ये, इसी चीज़ को मैंने समझाया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका है कैसे आप लोग फोन को इस्तेमाल करते हुए जो ऐसे रेफरेंस लाइन है, प्रोपोर्शन लाइंस है, वो रेफरेंस फोटो के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, तो थोड़ा देख लेता हूँ आप लोगों का मैसेज। तो फोटो कैसे फोन में ऐसे एडिट करना है, लुमिस लाइंस कैसे देना है, आई होप आप लोग समझ चुके हो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। तो अभी 8:54 है, ठीक है, 8:54 हो रहा है, तो एकदम 9 बजे क्लास ख़त्म करेंगे, उसके पहले कुछ भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हो मेरे बारे में, पर्सनल अगर कोई क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हो, सब बता दूंगा, सब नहीं कुछ कुछ, ओके। कमेंट करो, कमेंट देखता हूँ आप लोगों के मन में कितना सारा क्यूरियसिटी है, आर्ट के बारे में स्पेशली पूछ सकते हो, स्पेशली क्योंकि आर्ट ही है, आर्ट के बारे में ही क्लास है, मेरे बारे में तो बातें होते रहेंगे, आर्ट के बारे में भी कुछ पूछो। और उसके साथ साथ मेरे कुछ ड्राइंग्स दिखा देता हूँ, स्टिल लाइफ ही सिखाएंगे दीपा हैं। हाँ, आप लोगों का जो ड्राइंग्स है उसका फोटो कैसे अच्छे से खींचा जाता है, मतलब आप लोग कैसे खींचोगे फोटो, क्लिक कैसे करोगे, उसका एक वीडियो जल्दी आएगा, मेरा एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी सिखाएंगे।
तो ये देखो मेरे कुछ ड्राइंग्स। देखो ये पूरा ग्रेफाइट से किया हुआ है। ये नॉर्मल एक था छोटा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये भी। ऐश्वर्या राय बच्चन का मैंने किया था, ये एक ऐसे सॉफ्ट पेस्टल से किया था। ये हमारा नया प्रेसिडेंट, ये एक आर्टिस्टिक टाइप का पोर्ट्रेट है। इसका वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। ये पूरा मैंने शूट करके रखा है पर अभी तक वीडियो नहीं दिया है। अगर ऐसे आप लोग सीखना चाहते हो ये ऐसे आर्टिस्टिक मेथड, नीचे कमेंट कर दो, इसका भी ट्यूटोरियल आ जाएगा कुछ दिनों बाद। एक ने कमेंट किया मेरा फर्स्ट ड्राइंग, मेरा फर्स्ट ड्राइंग कहाँ मिलेगा, मैं जब मेरा 4 साल का उम्र था, 4-5, तब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग अब ढूंढना बहुत मुश्किल है, कौन सा है मुझे भी नहीं पता। ये सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल में ऑलरेडी हैं, तो अगर आप लोग इस वीडियो में ही मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जितना भी ड्राइंग्स मेरे इस स्केच बुक में देख रहे हो या फिर किसी और जगह में भी है, सोशल मीडिया में, मेरे इंस्टाग्राम पर, वो सबका ट्यूटोरियल मेरे चैनल में दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा देखो। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है ट्यूटोरियल। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा चैनल अभी भी बहुत छोटा है। एल्गोरिदम हो या फिर क्या हो पता नहीं, लोगों के पास पास मेरा वीडियो पहुँच ही नहीं रहा है। मैं एकदम जेन्युइन तरीके से आप लोगों को ड्राइंग सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा तो ऐसे वो जैसे अभी यूट्यूब में वीडियो है ज़्यादातर जिसमें व्यूज़ आता है आर्ट का, उसके मुकाबले तो थोड़ा अलग है। तो अलग है इसीलिए थोड़ा व्यूज़ शायद कम आ रहा है, पर ये आपके लिए है। आप लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे और अच्छे से अगर सही तरीके से अगर ड्रॉ करोगे तो आई होप मुझे भी थोड़ा व्यूज़ मिलेगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। जितना इसका भी ट्यूटोरियल आएगा, ठीक है, लियोनार्डो डा कैप्रियो का मैंने ये रिसेंटली कंप्लीट किया, फर्स्ट ड्राइंग है ये मेरा इस साल का। ठीक है, इसका भी ट्यूटोरियल आएगा, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये मैंने एक बेसिक स्केच किया था, ये भी कभी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हो गया शायद, सब दिखा दिया स्केचबुक का जितना भी ड्राइंग्स है। आप लोग का थोड़ा और मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू अनिकेत। सो ओके, अब लाइफ का एंडिंग, लाइफ का नहीं, लाइफ वीडियो का एंडिंग का टाइम आ चुका है। सो चलो अब थोड़ा ऐसे मेरा फेस भी दिखा देते हैं, बहुत टाइम से दिखाया नहीं है मतलब वीडियो में। अब फेस भी दिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट करो। सो आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। मेरा सेटअप थोड़ा ऐसा हिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं मेरा अपने घर में नहीं हूँ, हमारे घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो कुछ दिनों का टाइम लगेगा। मेरा जो पुराना सेटअप है वो एकदम पूरा टूट गया है, नया एक सेटअप बन रहा है, नया हमारा घर बन रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। हम लोग यहाँ पर किराए के घर में हैं अभी, ठीक है, तो थोड़ा सेटअप ऐसे बिखरा हुआ है बहुत, पर बहुत जल्दी एक अच्छा एकदम क्लासी सेटअप बनेगा। ओके, सो प्रीतम ने कमेंट किया है लाइव शेष करार आगे हमारे टक हमारे क्वेश्चन टाइप ने पे। प्रीतम क्या क्वेश्चन था, थोड़ा पहले हिंदी में बोलो हाँ, ताकि सभी को समझ में आए। हर्ष ने कमेंट किया भाई मुझे हिंदी उतना ज्यादा नहीं आता। हर्ष देखो क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस हिंदी में है तो मैं हिंदी में सिखा रहा हूँ, पर अगर समझ में नहीं भी आ रहा है आप लोग वीडियो को फॉलो करो। वीडियो में मैं ऐसे लिख लिख कर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो अगर वो भी देखोगे तो उससे भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को जो मैं लिख रहा हूँ वो सब देखो। नेक्स्ट वीडियो से मैं और भी ट्राई करूंगा कि ऐसे इंग्लिश में लिख लिख कर समझाने को, ताकि सबको समझ में आए। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। प्रीतम
प्रीतम ने क्या क्वेश्चन किया था मुझे ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है। प्रीतम हाँ देखा, थोड़ा पढ़ लेने दो। हाँ प्रीतम ने कमेंट किया, प्रिया प्रीतम तुम्हारा कमेंट का तो मैंने ऐसे आंसर दे दिया, करके दिखा दिया कि फोन पे कैसे लूमिस लाइन करना है। ठीक है, वो तो मैंने करके ही दिखा दिया, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो। फोटो के ऊपर भी कैसे लाइन करना है वो भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, और उसके साथ साथ ड्राइंग कैसे करना है वो भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आप लोग को होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी अभी किया, साइड फेस और फ्रंट फेस, उसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया है। अगर नहीं 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 लिया है तो बाद में फिर से ये वीडियो ओपन करके, लाइव में होगा मेरे चैनल में जो लाइव सेक्शन है उसमें ये होगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग क्या करो, उससे प्रैक्टिस करो खुद से। एक दो करने से नहीं चलेगा, जितना हो सके ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना हाथ ऐसे क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा, नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों का जो होमवर्क है वो देखूंगा। कहाँ पर देखूंगा, मेरा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग डालोगे, मैं डालने का टाइम दूंगा, कहाँ कब डालना है। फ्राइडे को मैं ओपन कर दूंगा, आपका जो होमवर्क है वो वहाँ पर डाल देना, सबका देखूंगा। और लाइव में आके आप लोग को बता भी दूंगा कि किसके होमवर्क में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम में होमवर्क करके मुझे टैग करो, ऐसे इनबॉक्स मत करना, ठीक है, टैग करो तो बहुत ही अच्छे से वहाँ से दिखाई देता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है artistic.दीपांकर, वहाँ पर सर्च करो, मुझे फॉलो करो, इनबॉक्स करो, टैग करो, ठीक है। तो यही होगा होमवर्क, जो जो लोग होमवर्क करेंगे वही अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे देखने से ही ड्राइंग हो जाता है, तो भाई देखने से कुछ नहीं होता, ड्राइंग क्या बताओ कुछ ही नहीं होता देखने से, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा होगा, वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। लाइव तो देख लिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जिन्होंने भी लाइव पूरा देखा है, सबको थैंक यू, सबके लिए ऑल द बेस्ट। शुरू कर दो नया जर्नी, नया साल है, नया कुछ सीखता है, लूमिस मेथड सीखता है, फ्री हैंड ड्राइंग सीखता है, नया हैचिंग टेक्निक, शेडिंग टेक्निक कुछ नया सीखता है। तो आप लोगों को सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों का ये जो लाइव है वो पसंद आया है। लास्ट टाइम एक बार चेक कर लेते हैं पूरा कमेंट सेक्शन, आई होप सबका कमेंट्स क्लियर हो गया है। और जो जो भी आप लोगों का ऐसे रिक्वेस्ट है, मतलब क्या क्या आने वाले वीडियोस में देखना चाहते हो, कमेंट कर देना नीचे, मैं आने वाले वीडियोस में ले आऊंगा। ओके ओके। और डिजिटल ड्राइंग कैसे मोबाइल में बनना है वो सब भी वीडियो आएगा, जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना ही जल्दी जल्दी वीडियोस भी आएगा, टेंशन मतलब, ठीक है। तो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है किसी और वीडियो में, किसी और लाइव में, और बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल में जरूर देख लेना। सो आई एम दीप साइनिंग ऑफ, चलते हैं, ठीक है, और कमेंट मत करो अभी। आई एम दीप साइनिंग ऑफ, नाउ डू आर्टिस्टिक एंड ऑलवेज डी आर्टिस्टिक, पीस, टाटा।